हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है बादल। मैं तो आज मैं आप लोग के लिए नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 100% ढोलक बजाना सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने एक छोटे से बच्चे को ढोलक सिखाया था, उसका नाम विहान है, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है। पहले आप लोग वीडियो देख लीजिए। तो देखा आप लोगों ने कि कितना अच्छा इस बच्चे ने ढोलक बजाया। तो दोस्तों, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि उसका चाटी साइड वाला हाथ कितना फास्ट चल रहा है, बेस वाला हाथ भी कितना फास्ट चल रहा है। ऐसा उसको मैंने क्या रियाज दिया जिसकी वजह से उसके हाथ फास्ट चल रहे हैं, वो सारी चीजें मैं आज की वीडियो में समझाने वाला हूं। बिल्कुल नए हो, सीखना बिल्कुल भी नहीं आता या फिर बजाना भी आता है ना, तो आज की वीडियो आप लोग के लिए होने वाली है। तो दोस्तों, टॉपिक पे बढ़ते हैं। 3 से 4 रियाज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं। जो रियाज मैंने उस बच्चे को बताया था, उसको मैंने 2 हफ्ते में ये सारी चीजें सिखाई है। पहला रियाज क्या है? चाटी साइड पे आना है। करना क्या है? चाटी साइड पे स्टार्टिंग बेस साइड से होनी है। देखिए, बेस साइड में क्या करना है, तो बोल क्या है, यहां पे 2 बार मारना है और यह चाटी साइड पे पहली उंगली से 2 बार मारना है। ठीक है, यहां पे 2 बार और यहां पे 2 बार। पहली लाइन ये है, देखो 1 2 3 4। ध्यान से करोगे तभी हो पाएगा, उतावले होगा तो नहीं होने वाला है। देखिए, गे गे ना ना, ठीक है, गे गे ना ना, विश्वास मानिएगा बहुत ज्यादा फास्ट होने वाला है। और ये सेम रियाज उस बच्चे ने बजा के दिखाया, तो वही वाला रियाज मैं बता रहा हूं आप लोग को। 2 बार यहां पे गे गे ना ना, गे गे ना ना कर लोगे। यहां पे खुला बेस मारना है, गे गे वाइब्रेशन आना चाहिए, गे गे, फिर यहां पे ना ना। पहली लाइन क्लियर है। अब दूसरी लाइन पे आएंगे, जब ये गे नाना अच्छे से रियाज कर लेंगे, तब यही जो बेस वाला हाथ है ये आगे ले जाएंगे और बीच में मारेंगे के के। ठीक है, देखिए हाथ, देखिए ऐसे लग रहा है, देखिए इतना भाग टच नहीं हो रहा है। ठीक है, के के, फिर उसके बाद ना ना किनारे पे मारना है। देखिए बिल्कुल एज पे, सेंटर में। ठीक है, तो बोल बन गया गे गे नाना के नाना। शुरू से लेकर अंत तक मैं बताता हूं, मेरे साथ साथ रियाज कीजिए, विश्वास मानेगा बहुत फास्ट होगा आप लोग का हाथ। गे गे, बेस देखिए, गे गे, इधर तो पहली उंगली मारनी है नाना, फिर यही हाथ आगे बढ़ा देंगे के 2 बार, फिर नाना। मैं रियाज करवा रहा हूं, मेरे साथ साथ कीजिए। ढोलक लीजिए, घुटना पे है तो घुटना पे, जमीन पे है तो जमीन पे। देखिए गे गे ना ना, के ना ना, क्लियर है, गे गे ना ना, के ना ना। और ये कहरवा ताल का रियाज है, 8 मात्रा का बोल है, गे गे ना ना, के ना ना, 4 4 8, क्लियर है। एक बार इधर साइड से देख लीजिए, गे गे ना ना, देन के ना ना। अब इसको हम फास्ट करेंगे तो देखिएगा, आप लोग खुद कहेंगे, खुद तारीफ भी करेंगे कितना फास्ट हो जाते हैं। देखिए बेस साइड से देखिएगा, गे गे ना ना, के ना ना, 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 गे गे ना ना। ठीक है, और इतना फास्ट वो बच्चा बजा रहा था, तो अच्छा ब्रिलियंट भी है वो लड़का। और आप लोग भी अगर मेहनत करेंगे तो आप भी वैसे ही ब्रिलियंट बजाने लग जाएंगे और आप लोग का हाथ फास्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, दूसरे रियाज की तरफ जाने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि होता क्या है ना, कि बहुत लोगों को पहली उंगली चलाने में बड़ा दिक्कत होता है। तो एक मैं छोटा सा एक अलग से रियाज में लेके आया हूं, जो उस छोटे से बच्चे ने भी बजाया था, 4 मात्रा का रियाज है, वो आपको भी बजाना है। कैसे करना है? बड़ा सिंपल सा रियाज है। चाटी साइड के किनारे पे 2 बार मारना है, 1 2, ठीक है, 1 2, फिर बेस के बीच में की, यहां पे देखिए की, ठीक है, 3, ये 3 हो जाएगा, 1 2 3, फिर 4 नीचे से खाली टच कराना है, तेज मारोगे तो खराब हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल सिंपल देखिए, ता ता की, क्लियर है, ता ता की, 1 2
अब इसको हम धीरे धीरे फास्ट करेंगे, तो कहीं पे भी आप लोग का हाथ होगा तो जमीन पे रख लीजिएगा, घुटने पे रख लीजिए और धीरे धीरे मेरे साथ फास्ट कीजिए। ता ता कीट, 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 एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ता ता कीट, 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 ता ता कीट। ठीक है, तो खैर वो बच्चा अभी तक इतनी स्पीड पे नहीं पहुंच पाया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अगर वो एक डेढ़ महीने और अच्छे से रियाज करेगा तो बच्चा इससे भी ज्यादा स्पीड बजाएगा। तो आप लोग को भी इसी प्रकार से ये छोटे छोटे रियाज आने चाहिए। इसके बाद एक और मैंने उस लड़के को रियाज दिया था जिससे उसका हाथ में और भी फास्ट और भी तेज उसका हाथ चलने लग गया था। वो रियाज क्या है मैं आप लोग को बता दूं। इसी साइड पे हम आएंगे और चाटी साइड पे करना है, बड़ा सिंपल सा चीज है। पहली उंगली को किनारे पे रखना है, ठीक है, और बेस को खुला मारना है, ऐसा आवाज आना चाहिए, ठीक है, बम मसेना आवाज आनी चाहिए। चाटी पे किनारे पे एक साथ मारना है, तो ये बनेगा धा, ठीक है, रट लीजिए धा, ये किनारे पे लगेगा और बेस खुला बजेगा धा, बहुत जबरदस्त रियाज होने वाला है, देखिए धा। अब क्या करना है, यही पहली उंगली आगे बढ़ाएंगे और बीच में ले जाएंगे, अब इसे बोलेंगे एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, फिर छह, सिंपल है। अब एक बार फिर से देखिए, धा बजाने के बाद छह तक गिनती गिननी है, वो कैसे है देखिए, धा, अब यही पहली उंगली उठ के आगे जाएगी, एक दो फिर तीन फिर चार फिर पांच फिर छह, विश्वास मानिए बहुत ज्यादा जबरदस्त रियाज होने वाला है। इसको अगर आप समझ के करेंगे तो जरूर आपका हाथ फास्ट होने वाला है। बेस बजाएंगे और पहली उंगली को किनारे पे मारेंगे धा, फिर उसके बाद यही पहली उंगली उठेगी सेंटर में जाएगी बिल्कुल, एक, फिर दो, नीचे की तीन उंगली दो उसी जगह पे, फिर तीन पहली उंगली, फिर चार नीचे की तीन उंगली, फिर पांच, फिर छह, ये तिरकिट फेल कर देगी अगर आप इसको सीख जाओगे, तिरकिट से भी ज्यादा तेज बजेगा। देखिए धा, फिर एक दो तीन चार पांच छह, फिर से देखिए धा, एक दो तीन चार पांच छह धा, ठीक है, पहली लाइन है। अब दूसरी लाइन पे क्या करना है, दूसरी लाइन में कुछ भी नहीं करना, बस बेस को हटा दो, ता हो जाएगा ये ता, फिर सारा सेम, एक दो तीन चार पांच छह, समझ में आ गया ना, धा, फिर एक दो तीन चार पांच छह सात पांच छह, फिर दूसरी लाइन में ता, फिर एक दो तीन चार पांच छह, समझ में आ जाएगा। इसी टाइप से मैंने उस छोटे बच्चे को सिखाया था और बहुत अच्छा बजा भी रहा था। आप देखिए धा, फिर एक दो तीन चार पांच छह, फिर ता, फिर एक दो तीन चार पांच, समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो पीछे वीडियो को कीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो अब इसको धीरे धीरे फास्ट करेंगे, मेरे साथ साथ आप रियाज कीजिएगा। देखिए धा, एक दो तीन चार पांच छह ता, एक दो तीन चार पांच छह धा, एक दो तीन चार पांच छह ता, एक दो तीन चार पांच छह धा, एक दो तीन चार पांच छह ता, एक दो तीन चार पांच, छे नीचे से ही आना चाहिए, ठीक है, पहली उंगली से धा और ता लगेगा, फिर यही पहली उंगली के एक पे जाएगी, एक पे पहली उंगली होनी चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे फास्ट करेंगे और बोल नहीं सकते तो बिना बोले बजाना है, देखिए धा, एक दो तीन चार पांच छह ता, एक दो तीन चार पांच छह धा, फास्ट हो जाने वाले हैं आप लोग का। हाँ, इस चीज का रियाज अच्छे से कीजिएगा और बहुत अच्छी तिरकिट के जैसा रियाज है आप लोग का, अच्छे से कर लीजिएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी ढोलक दिखाई दे रही है, ये ढोलक जतिन सुथार जी के पास जाने वाली है दुबई में। इसका मैं थोड़ा टोन सुना देता हूं, ठीक है दोस्तों। अगर इस टाइप की ढोलक चाहिए आप लोग को, अगर मांग है आप लोग की, तो मेरा नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर जाइए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर जाके कॉन्टेक्ट मेरे से। अब दोस्तों अगर आप ये कर लेते हो तो इससे भी ज्यादा सिंपल एक और रियाज मैं आप लोग को देने वाला हूं जिससे आपकी फिंगर्स बहुत ज्यादा फास्ट होगी। क्या करना है देखिए,
पहली उंगली मारनी है किनारे पे और बेस को मारना है धा, ठीक है। फिर उसके बाद ता, ठीक है। फिर एक और ता, ठीक है। फिर बेस के बीच में की, फिर नीचे की तीन उंगली से ट। थोड़ा सा कठिन है लेकिन अगर रट रट के करोगे तो हो जाएगा। देखिए इधर साइड से दिखाता हूं, धा, फिर ता, ता, की, त। गिनती से बताओ, पहले धा बजाओ, फिर एक दो तीन चार, बस धा, फिर एक दो तीन बीच में, फिर चार, ठीक है। अब इधर से दिखा के बता देता हूं, धा, फिर एक दो, फिर बेस के बीच में तीन, फिर चार। तो धा ताता किट, धा एक दो तीन चार, धा एक दो तीन चार, धा एक दो तीन चार, धा। कर लोगे ना? अब देखो इसको बजाना कैसे है। पहली लाइन हो गई, अब दूसरी लाइन। दूसरी लाइन में भी सिंपल है, बस बेस को हटा दो सारा सेम। तो ता, फिर एक दो तीन चार, ता एक दो तीन चार, ता एक दो तीन चार। बिल्कुल स्लो स्लो समझाने वालों दोनों लाइनों को। अब देखिए कैसे बजाना है, देखिए सिंपल। धा, फिर ता, ता, ती, त, मतलब धा एक दो तीन चार, फिर ता एक दो तीन चार। अब इसको हम बजाएंगे मेरे साथ साथ, आप रिपीट कीजिएगा। धा आप लोग को पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप लोग को